जब जनरेशन एक्स क्रांतिकारी पीढ़ी रही है, इनकी खूबी यही रही कि ये जेन एक्स अपनी पसंद को लेकर बहुत साफ रहे हैं। मई जून के महीने में शादियों के मौसम में जब बारात निकलती है तो जैक्सन भाई लोग डांस कर ट्रैफिक जाम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैक्सन के सारे चेले बारात में नाच कर खुश होने वाले ही रहे। कुछ ऐसे भी हुए जो एकलव्य की तरह जैक्सन को गुरु मानकर सीखते रहे। माइकल जैक्सन का जन्म 13 साल पहले जैक्सन को पता चला होगा कि इस देश में उनके कितने दीवाने हैं। लेकिन ये दीवानगी सिर्फ मुंबई के स्टूडियो या फिर सड़कों तक ही नहीं, छोटे बड़े शहरों तक जैक्सन का नाम दशकों पहले ही पहुंच चुका था। जैक्सन को क्या पता, नागपुर में भी एक एकलव्य रहता है। 21वीं सदी में मूर्ति बनाकर क्या फायदा, वीडियो देखकर सारे स्टेप्स सीख लिए और कुछ इतना सीखा कि अब दूसरों को भी सिखाने लगे। तकरीबन 20 साल पहले मैंने उनको एक वीडियो में देखा और जब मैंने उनको देखा डांस करते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी ये इतने उनके जो वॉक्स थे और उनका जो टोपे खड़े होना, उनका जो स्पिन करना, उनका जो रोबोटिक स्टेप था, वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग बन गया और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे करना ही चाहिए और मैं उसकी प्रैक्टिस में लग गया। और मैं बस वीडियो देखते देखते मैंने अपना, और आज मैं एक डांस के करियर पे खड़ा हूँ। मैंने डांस से ही अपना करियर बनाया है। हालांकि मॉडर्न चेलों को यकीन नहीं होता कि गुरुजी सिर्फ देखकर मून वॉक करने लगे, लेकिन उनकी कोशिश इतनी जरूर होती है कि माइकल जैसा कुछ कर जाएं। यही वजह है कि जैक्सन की तर्ज पर डांस सीखने और सिखाने वाले आपको हर शहर में मिल जाएंगे। ये इंदौर के जैक्सन फैन, बताइए क्या कमी है इनमें? लगे हुए हैं, जिस्म जितनी जहमत उठा सकता है उठा रहा है। गुरुजी को लगता है कि एक भी चेला हिट हुआ तो काम बन गया। पिछले 25 सालों से जैक्सन बेक डांस क्लासेस के नाम से ही हम इंस्टीट्यूट चलाते थे और हम सभी डांसरों को क्या पूरी दुनिया में मतलब एक महान व्यक्ति अपन ने खो दिया है। ये लोग तो उनमें हैं जो डांस की क्लास में यकीन करते हैं, लेकिन जैक्सन के दीवाने आपको हर शादी ब्याह में मिल जाएंगे। बैंड के कितने भी बेसुरे संगीत पर कोई रोबोट की तरह हड्डियां मरोड़ता दिख जाएगा तो कोई खुरदुरी सड़कों पर मून वॉक करने से बाज नहीं आएगा। कुछ भी कीजिए, मस्त रहिए, माइकल जैक्सन को याद रखिए। और ये श्री संत जब भी तनाव में होता है और हल्की सी कामयाबी मिलती है, लगता है चैलेंज देने माइकल जैक्सन को। माइकल सबके लिए एक चुनौती है।